हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना। और फ्रेंड्स, वीडियो आज का है कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यहां पर मैं बना रही हूं, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि हम एक कार्ड बना रहे हैं, इनविटेशन कार्ड है। ये मैं बर्थडे के लिए बना रही हूं, और आप अगर किसी और ओकेज़न पे अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं कम ज़्यादा आप कर सकते हो, बस एक आइडिया आपको मिल सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये होने वाला है वीडियो, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और आइए आज कुछ डिफरेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सीट ली है A4 साइज़ की, और मैंने इस तरह से इसको कट किया है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने कट कर दिया, और मैं रेड स्केच पेन से इसकी आउटिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कलर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, जो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी प्यारा होता है। और जब हम वाइट शीट लेते हैं, मतलब हमारा वाइट बेस हो, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। और अगर डार्क कलर यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेड का यूज़ किया है, और इसकी आउटिंग मैं कर देती हूँ पूरी। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर, मेरी ये आउटिंग है पूरी हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी कुछ डिज़ाइंस ड्रॉ करूँगी। मैं यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ और कुछ पत्तियाँ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और पेंसिल के हेल्प से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर पेंसिल से जब हम यूज़ करते हैं, पेंसिल से कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, तो हमें थोड़ा सा उसका आइडिया मिल जाता है कि हमारा कितने, मतलब कितनी जगह में कितना स्पेस बचेगा, या फिर कितना हमारा डिज़ाइन कवर कर लेगा। तो वो सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। बट जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है, आप मतलब डायरेक्ट पेन से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पत्तियाँ ड्रॉ कर दी हैं, और कुछ फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और सीधा ही एक मतलब बेल स्टाइल में लेके गई हूँ। और इसके बाद में हम इसको कलर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़। फ्रेंड्स, मेहंदी के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप मेहंदी लवर हैं और बिगनर्स हैं, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। और बहुत सारे वीडियोस आपको मेहंदी के और पेंटिंग के भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा चैनल पर, अगर पहली बार आए हैं और पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। जब कम्प्लीट हो जाए, इसका एंड का लुक आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है लगभग। और अब मैं यहाँ पर इसको हल्का सा इरेज कर दूँगी, क्योंकि जब पेंसिल से हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा डार्क दिखता रहता है। अगर उसके ऊपर से हम स्केच पेन करते हैं, तो फिर वो डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। तो ये डिज़ाइन मेरी बन गई है, और इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँगी, उसके बाद ही कलर स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर हम इन्विटेशन के लिए कुछ लिख देते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, हिंदी या इंग्लिश में, जैसे भी आपको लिखना है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और नीचे आप एड्रेस दे दीजिएगा, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स, सपोज दैट आप यही कार्ड न्यू ईयर के लिए भी तैयार कर सकते हो सेम, बस आपको ये जो इनविटेशन हमने लिखा है वो आपको नहीं लिखना है, और ऊपर का जो डेट वगैरह वो आपको नहीं लिखना। आप यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर भी लिख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत न्यू ईयर में भी हम बैलून्स को मतलब यूज़ करते ही करते हैं, तो डेकोरेशन में तो बैलून का तो डेकोरेशन मतलब हर जगह ही आजकल हर फंक्शन में होता है, तो बैलून्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैलून्स ज़रूर बनाइएगा, और इस तरह से बर्थडे के लिए हमने बनाया है, तो हम ज़रूर उसमें बैलून्स ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने डार्क रेड कलर का स्केच पेन लिया है, उसकी हेल्प से हम ये फ्लावर्स तैयार करेंगे, और हल्का सा शेडिंग देते हुए हम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप अगर स्केच पेन की हेल्प से बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। शेडिंग वाला जो डिज़ाइन से शेडिंग वाला पैटर्न देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्लावर डेकोरेशन में, होम डेकोरेशन में, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे फ्लावर डेकोरेशन के, जो कि हम फेस्टिवल्स पे बनाते हैं, फ्लावर डेकोरेशन को यूज़ करते हैं, मतलब डेकोरेशन करते हैं फ्लावर से। तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप ज़रूर देखिएगा वो सारे वीडियोज़, और मैं लिंक दे दूँगी एंड स्क्रीन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मेरे फ्लावर बन गए हैं, और मैं अब पत्तियों को बनाऊँगी। बस सेम वैसे ही करना है आपको, शेडिंग देनी है। और शेडिंग का, जैसे कि मैं मेहंदी में भी बोलती हूँ, जब भी मैं मेहंदी में शेडिंग यूज़ करती हूँ, तो भी मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलती हूँ कि शेडिंग करने के बाद एक तो आपको आउटिंग करनी है डबल, और दूसरी बात ये कि शेडिंग जिस शेप में हमारा डिज़ाइन है सेम उसी में आप दीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा डिज़ाइन है सेम उसी तरह से हमको शेडिंग देनी है, उसी
डायरेक्शन में हमको शेडिंग देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी जो पत्तियाँ हैं मैंने सेम वैसे ही बनाया है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आपको यही ध्यान रखना है मेहंदी में भी, मेहंदी डिजाइन जब भी आप बनाते हो और जब भी आप ऐसे आपको ड्राइंग करनी है तो आप ये चीज़ याद रखिएगा उसमें। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैं रेड का भी मतलब पत्ती मैंने यहाँ पर कली जैसे बनाई है उसको भी मैं कर देती हूँ। और आई होप आपको मेरा ये जो डिज़ाइन है आपको पसंद आया होगा। और ये जो इसकी आउटिंग है नीचे वाले पार्ट की उसकी भी मैं कर देती हूँ। और नीचे ज़्यादा हमको अंदर वाले पार्ट में कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्माइली लगाए हैं दो, यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो, जैसी भी आपकी मतलब चॉइस है। और फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे जो है मैंने स्पेस छोड़ा है वहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्पेस थोड़ा सा मैंने खाली रखा है। और जो इन्विटेशन के लिए जो हमने ऊपर लिखा है वो इसके साथ में ब्लू कलर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी लें। और डेट आपने ऊपर ही डालनी है जो भी आपकी है। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो में किसी नए क्रिएशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।